hands raised. So we have Vinita. Yes, Vinita, please share. Good morning, ma'am. Good morning. Congratulations. Thank you so much. Ma'am, I'm not able to see you. How come now? हाँ, अभी 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 यस, आई एम एबल टू सी यू. सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम. वैसे मतलब मेरी तो पूरी लाइफ आप ही से इंस्पायर है. आपको पता है ये बात बहुत अच्छे से कि मेरी हर एक चीज में, लाइक आई एम डूइंग एनीथिंग इन माय करियर, इज एवरीथिंग इज इंस्पायर. आपकी और एक्चुअली आपकी जस्ट बड़ी वाली बेटी की। मेरी बड़ी वाली बेटी, तो मैम मुझे पता ही नहीं चला वो कैसे आ गई इस जर्नी में, क्योंकि एक्चुअली मैं जापान में थी तब. मैंने वहां पे यही देखा था कि अगर हम जो करते हैं वही हमारे बच्चे करते हैं. ये वहाँ का बहुत एक सिंपल कोड था और वहाँ पे स्कूल्स में यही सिखाते थे. वहाँ पे कोई बुक्स वगैरह नहीं थी. जापान में मैं 10 साल तक रही, मेरे बच्चे को मैंने कभी कोई बुक से पढ़ाते हुए नहीं देखा. तो वो सिर्फ उनको एटिकेट्स वो डेवलप करना और उनको क्लीनिंग पार्ट सिखाना, और जो आपकी मम कर रही है वो आप, यू जस्ट नीड टू फॉलो दैट. तो मेरा ये शुरू से ही हैबिट था कि टीवी नहीं देखना, मोबाइल नहीं देखना, जल्दी 9 o'clock सोना, 4 o'clock उठना. और दृष्टि में वो हैबिट्स अपने आप आती गई. और मैंने जब ये सेशन शुरू किए तो उसको पता ही नहीं है. यस्टरडे नाइट शी वाज आस्किंग टू मी, हु इज यूनिवर्स, आई जस्ट वांट टू सी, आई वांट टू मीट. तो मैंने बोला एक काम करना, कल तुम सुबह उठ जाना और वो सेशन में आ जाना, बिकॉज मेरे पास इन सब चीजों के आंसर्स नहीं है. तो अभी शी इज वेटिंग. तो वो अपने आप ही, और मैंने उसको कभी नहीं बोला कि तुम नोट्स बनाओ, तुम ये करो, आई नेवर सेड एनीथिंग. इवन मुझे तो पता भी नहीं है वो ज्वाइन कब करती है, क्योंकि 9 o'clock तो मेरा सोने का, मैं मॉर्निंग में 3:30 उठ जाती हूँ. तो क्योंकि मैं अभी फॉरेन में हूँ तो मुझे बहुत सारा सब हाथ से करना होता है, कुक भी नहीं है, तो मुझे 3:30 उठना होता है ये सब प्रैक्टिसेस करने के लिए. पहले मैं 4:30 उठती थी, अभी 1 घंटा जल्दी शुरू करती है. तो मैम उसने सब खुद से शुरू कर दिया. लाइक अब वो 108 टाइम डेली ग्रेटिट्यूड लिख भी रही है, बिकॉज अभी उसके हॉलीडेज चल रहे हैं. और वो नीचे जाके अपने फ्रेंड्स को भी सिखाती है, और मुझे नहीं पता उसने किस किस को लिंक भी दिया है यहाँ पे. और वो बातें भी जब करती है तो मैं यही सुनती हूँ, वो यही बातें करती है यूनिवर्स की. ऑल्दो शी डोंट इवन नो कि यूनिवर्स होता क्या. यस्टरडे नाइट शी वाज आस्किंग टू मी, मामा क्या होता है. मैंने बोला एक काम करना, तुम कल सुबह सेशन में आ जाना, वहां पे तुम्हारी मैम भी रहेगी, मेरी मैम भी रहेगी, तुम पूछ लेना. तो मैम मेरा ये शेयरिंग था कि मेरा एक ड्रीम, जो बहुत बड़ा ड्रीम था बहुत सालों से, मेरी मैरिज हुई तब से कि मुझे इंडिया में ही सेटल होना था, बट वो हो नहीं रहा था. एनी हाउ मैं बीच बीच में 3 बार, पहले हम लोग फ्रैंकफर्ट में थे, जर्मनी में थे मेरी शादी होते, उसके बाद हम पेरिस गए, फिर मैं खींच के जबरदस्ती मेरे हस्बैंड को इंडिया लेकर आई. फिर से वो, उनका ऐसा रहता था महीने में, वो 15 दिन यूरोप में रहते थे, 15 दिन इंडिया में. तो परेशान होके मैंने गिव अप कर दिया, और मैंने अपना, मैंने बताया, मैंने मेरा आर्किटेक्चर पूरी तरीके से छोड़ के, और फिर मैं उनके साथ जापान चली गई. फिर मैंने बिल्कुल मतलब दिमाग से निकाल दिया मैं इंडिया कभी जाऊंगी, और मेरा मन कभी फॉरेन में नहीं लगा, मुझे हमेशा से इंडिया आना था. और फिर कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हुए कि हम लोग इंडिया आ गए, बट फिर हम लोग 2 साल में फिर से हमें मूव होना पड़ा. शायद मैं ही इन्वाइट कर रही थी उन सब चीजों को पास सोच सोच के, बट नाउ दिस टाइम फाइनली मैम सिर्फ 15 डेज में मैंने ये मैनिफेस्ट किया है. मतलब मेरे हस्बैंड का जॉब, मतलब उनका अभी जो जॉब है वो यहीं पे है, ही इज इन विनफास्ट राइट नाउ इन वियतनाम, और बहुत अच्छी पोजीशन पे, डायरेक्टर की पोजीशन पे. और मैंने उनको इतना कन्विंस कर लिया, उनका इतना ब्रेन वॉश कर दिया कि उन्होंने पेपर डाल दिए. और लास्ट 15 ईयर्स में उन्होंने सिर्फ एक ही कंपनी चेंज की है. वो ही इज नॉट अ काइंड ऑफ पर्सन कि वो बार बार अपना जॉब स्विच करे, उनको पसंद ही नहीं है वो चीज. वो इज वेरी कंसिस्टेंट पर्सन, तो उनको लाइफ में और कुछ चाहिए नहीं है, जहाँ पे है बहुत खुश है. तो मैंने उनको इतना कन्विंस कर लिया, मतलब कैसे भी किया हो, लेकिन ठीक है, मेरी राइटिंग के थ्रू मैंने यूनिवर्स से ये चीज मांगी और उन्होंने पेपर डाल दिए. और उन्हें इन 15 डेज में उन्होंने मुझे बोला कि मैं पेपर तब डालूंगा जब तुम ऐसा कुछ हो कि मुझे बट उनको जॉब मिले जॉब इंडिया. मिली है कि तुम्हारे फोर्स करने से नहीं उन्होंने मैम, फिर उनको जॉब मिली है, खुद से ऑफर हुआ है वो जॉब, एंड इमेजिन उन्होंने जॉब. पेपर्स डाले ना, हाँ, फिर उन्होंने बट आप पेपर डाले, फोर्स तो नहीं लेकिन कर रहे ना उनको। नहीं मैम, विद इन 15 डेज ही गॉट हिज ऑफर लेटर इन हिज हैंड, एंड इमेजिन इट्स सच ए ह्यूज सैलरी, मतलब जो इंडिया में हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते उस टाइप की सैलरी उन्हें मिले. ही वॉज लाइक कि, और मैम इस तरीके से जॉब मिला है कि जैसे मैंने जो राइटिंग शुरू किया, मैंने उनका ब्रेन वॉश किया, उनको कन्विंस किया, उन्होंने बोला ओके ठीक है, अभी मेरे दिमाग में रेसिस्टेंस नहीं है, हम इंडिया सेटल होंगे, आई सेड ओके. सेम डे उनको विद इन 15 मिनट्स में मेल आया कि यू हैव दिस जॉब अपॉर्चुनिटी. मैंने बोला आप एक काम करो, आपका सीवी भेजो यहाँ पे, आपका रेज्यूमे. उन्होंने भेजा, इमीडिएटली एचआर का मैसेज आया, मतलब मेल आया कि आपका कल इंटरव्यू शेड्यूल हो गया. मैं हस्बैंड से रोक के, मतलब ऐसे कोई 2 दिन में थोड़े ना कुछ हो जाता है, उनको लगा भी नहीं था इंटरव्यू हो जाएगा.
वो इंटरव्यू हो गया, बट उनके दिमाग में रेसिस्टेंस था, इसीलिए वो राउंड तो क्लियर हुआ, बट उस कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे ना, जो हेड मतलब उनसे ऊपर उस कंपनी में कोई नहीं था, उन्होंने बोला कि हमको भी इतनी बड़ी सैलरी की डिमांड की है तो हम भी इनका इंटरव्यू लेंगे। एंड द थ्री मेन जो हेड ऑफ द पर्सन थे कंपनी के, उन्होंने फिर से एक टेक्निकल राउंड जो है वो शेड्यूल किया, वो भी हो गया मैम, बहुत आराम से हो गया, और मेरे मतलब उनका वो सेकंड राउंड भी पास हो गया। एंड इमेजिन विद इन 15 डेज ये सब कुछ होके उनका जो भी है वो एवरीथिंग इज डन, लाइक ही हैज हिज ऑफर लेटर इन हिज हैंड। फर्स्टली इसका कॉन्ग्रेचुलेशन, सेकेंडली व्हाट सिटी विल यू बी कमिंग इन? मैम, मैं तो मुझे पुणे ही आना है, आई हैव माई ओन हाउस देयर, मुझे वो घर मतलब मुझे सब अरे कुछ, बस हस्बैंड की मुझे जॉब कहाँ लगी है, कॉर्पोरेट ऑफिस पुणे में? में ही मैम, पुणे में ही। इवन उनको यूके की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज थी, मतलब उनको JLR में हमेशा से काम करना था, क्योंकि जब वो जापान में थे ही वॉज वर्किंग फॉर मर्सिडीज, तो उनकी बहुत विश थी कि उनको JLR में काम करना है। इमेजिन उसी टाइम पे उन्हें JLR से खुद से ऑफर आया, एक डायरेक्टर जो है JLR का वो उनका फ्रेंड था, और उन्होंने बोला कि अमित देर इज वेरी गुड अपॉर्चुनिटी ओवर देयर, बट मैंने बोला कि से नो, मुझे नहीं जाना यूके, विनीता ऐसे मुझे नहीं बोलते हैं अपने। मैम इमेजिन इट्स 15 ईयर्स ऑफ माई मैरिज, मुझे इंडिया ही आना है। मैंने बहुत मतलब नहीं, मैंने बहुत हस्बैंड की पेशेंस भी करी फ्री विल होनी चाहिए इसमें कि मैम, उनको भी आना उनको है। कन्विंस किया मैंने, मैंने उनको बहुत अच्छे से कन्विंस किया। एंड इमेजिन मैम मेरे साथ उन्होंने भी राइट किया है खुद की जॉब के लिए इंडिया में। अच्छा, उन्होंने किया। मतलब वो ऐसे पर्सन जो भगवान को भी नहीं मानते, ही इज लाइक अ न्यूट्रल काइंड ऑफ पर्सन, वो कभी भी बहुत मुझे कुछ नहीं बोलते कि मुझे ये करना वो करना, इज वेरी सिंपल पर्सन। ऑल्दो उन्होंने 108 ग्रेटिट्यूड्स डेली राइट किए हैं, उन्होंने ही स्टार्टेड मेडिटेशन विथ मी, मतलब मैंने मैम इतना तो आपने सिखा दिया इतने सालों में कि किसी को कन्विंस कैसे करते हैं, दैट्स व्हाई नहीं देखो, मैम आपको नहीं पता है आपने कब सिखाया कैसे सिखाया, लेकिन मुझे पता है मैं आप ही से सीखी हूँ ये चीज, क्योंकि मेरे करियर में भी जो भी होता है ना, लाइक मेरे पास कोई आता है बात करने के लिए कि मैम वी जस्ट वांट टू नो अबाउट द डाइट एंड जो भी उनकी प्रॉब्लम होती है, डायबिटीज कैंसर थायराइड, और वो विद इन 10 मिनट्स मैम मेरे पास 3 मंथ का एनरोलमेंट करता है, और ये पहले नहीं होता था, ये अभी अभी होने लगा है जब से आप मतलब ये सेशन में आने के बाद में तो मेरे पास 2 घंटे में पेमेंट आ जाता है 3 महीनों के लिए, विद इन आई थिंक 2 आवर्स मेरे पास में पेमेंट आ जाता है। और उसमें भी ऐसा है कि मैं कभी सामने वाले को मैसेज नहीं डालती हूँ कि क्या हुआ आपको एनरोलमेंट करना है या नहीं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आई नेवर डू दैट। उन्हीं का फिर से आता है मैम आपने फीस स्ट्रक्चर नहीं भेजा, और उन्हीं का मैम हम पेमेंट कर दे, फिर मैं बोलती हूँ हाँ ठीक है। तो इस तरीके से ये 28 डेज का जर्नी का सिर्फ मैं बता रही हूँ, इसके पहले हाँ मुझे 3 4 दिन स्ट्रगल होता था, मतलब बहुत सारे मैसेजेस आते थे जाते थे, फिर वो कुछ बार्गेन टाइप में भी वो होता है सब कि नहीं मैम प्लीज थोड़ा सा कम कर दो ये वो ऐसे ऐसे होता था, बट इस जर्नी में आने के बाद में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है मैम, मतलब मैंने जो अमाउंट बोला है मुझे किसी ने दोबारा पूछा भी नहीं है कि हम करें नहीं करें, आप 1 मंथ का लेंगे क्या 4 मंथ का लेंगे क्या, मैंने 3 मंथ का भेजा तो 3 मंथ का मेरे पास पैसा आया है, और मैंने 4 मंथ का भेजा तो 4 मंथ का आया है, और अमेजिंग तरीके से हुआ है मैम सब कुछ। मुझे ऐसा लगता था मैंने सारे पेशेंट हैंडल किए माइग्रेन के नहीं हैंडल किए, और ये सेशन शुरू करने के 6 से 7 दिन के बाद की बात है, एक दिन आप वेबिनार ले रहे थे आई थिंक आपने इलेक्ट्रिशियन पे ऑफिस लिया था, का, ऑफिस का हाँ आपका इलेक्ट्रिशियन का था, वहां पे आपने सिर्फ इतना बोला था कि माइग्रेन के पेशेंट जब होते तो मैं उनका इंसुलिन भी चेक करवा लेती हूँ आप भी करवा लेना, और भी एक टेस्ट बोला था आपने, कौन सा टेस्ट बोला था, तो मुझे वो सीआरपी ध्यान हाँ सीआर CRP बोला था आपने, तो मैंने तो वो राइट डाउन करके लिख लिया, मैंने सोचा यार मैंने सब किया, इस बार मेरे पास माइग्रेन के पेशेंट आएंगे, मतलब अगर कोई आया तो मैं भी ये करवा के लूंगी, मतलब मैंने भी कभी नहीं करवाया था मैम। इमेजिन आपका वेबिनार खत्म हुआ, 2 घंटे तक मेरे दिमाग में वो माइग्रेन वर्ड घूम रहा था, 2 घंटे में आई गॉट 1 माइग्रेन पेशेंट, उसके अगले दिन फिर और एक पेशेंट आया माइग्रेन का ही आया, उसके तीसरे दिन और एक पेशेंट आया वो भी माइग्रेन का, मैंने अपनी एनर्जी शिफ्ट कर ली वहां से, मैंने बोला नहीं अब और नहीं चाहिए। तो मतलब मैं जितना थैंक यू बोलूँ आपका उतना कम है, क्योंकि मुझे शुरू से सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही रहना था, और ऐसा हो रहा है कि मैं इंडिया में, मैं जब मैं मैम जब मैं पेरिस में थी दैट टाइम आल्सो मुझे पूरे टाइम ऐसे लगता था बस मुझे इंडिया ही जाना है, और अब फाइनली जा रही हूँ मैं इंडिया।
मतलब मेरे ग्रेट, टिकट्स का वेट ऑसम। कर रहे हैं। और सुनीता गोविल जी पूछ रही हैं, व्हाट आर द प्रैक्टिसेस दैट यू डिड टू गेट सच अ फैंटास्टिक जॉब इन पुणे? ड्रीम मैम आप इमेजिन नहीं करेंगी, लिस्ट में डाला था आपने एक तो ड्रीम आपने ना, 10 की ड्रीम लिस्ट, लिस्ट। हाँ आप मतलब मेरे लिए ना आप जो वर्ड्स बोल देते हो, आप शायद वो वर्ड एक बार बोलते हो एक सेंटेंस कि आपको ड्रीम लिस्ट रोज पढ़नी है और लिखनी है, बट मेरे लिए दैट बिकम्स लाइक माय डेस्टिनी काइंड ऑफ, कि अब मैं डेली रोज पढ़ती हूँ, डेली रोज उसको लिखती हूँ। एंड द सेकेंड थिंग, आपने एक दिन बोला था कि मैंने 1 ही डे में 555 प्रैक्टिस कर लिया था, तो आई डिड इट रेगुलरली, 8 डेज से मैं रेगुलर कर रही हूँ 555 प्रैक्टिस इन सिंगल शॉट। मैं 555 8 डेज टाइम्स, से, मतलब यस सिंगल शॉट, मैं यू आर इतनी, डूइंग 55 × 5 टाइम्स इन 1 डे एवरी यस डे, एवरी डे, एंड बिकॉज हाउ आई मेनी एम डेज यू वेरी, वांट टू कंटिन्यू डूइंग दिस? नाउ आई थिंक द विश इज मैनिफेस्टेड, सो यू विल स्टॉप डूइंग इट नाउ। मतलब मैं पूरे दिन, मतलब मैम मुझे समझ में ही नहीं आता, मैं रात को, बहुत सालों से मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरी 3 बजे हमेशा नींद खुल जाती है, बट मैं शुरू से हमेशा 4 बजे ही उठती तो थी, आपने ब्रह्म फोर मुहूर्त थर्टी में को लिखा था इसको? मैम बहुत बार मेरी जब भी नींद खुल जाती है आई स्टार्ट राइटिंग, और मैं इवनिंग में अगर कभी, और मैम बहुत अच्छी चीज ये हो रही है कि और क्या इतने, लिखा था एग्जैक्टली, पढ़ के बताओगे? मतलब व्हाट वाज दैट वन सेंटेंस जो ट्रांसफर के लिए लिखा था आपने टू इंडिया, रेलोकेशन? ट्रांसफर, थैंक यू यूनिवर्स फॉर माय हस्बैंड, लाइक अमित, हिज नेम इज अमित, सो थैंक यू हस्बैंड फॉर फॉर अमित अमित जॉब इन इन इंडिया। पुणे, अच्छा सच मतलब एक्स पैकेज, एंड दैट हाँ पैकेज वाज सो हाई, और वो अच्छा, सेम यू हैड पैकेज, रिटन दैट स्पेसिफिक पैकेज ऑल्सो। यस थैंक यस थैंक यू यस यूनिवर्स फॉर अमित जॉब इन पुणे एट एक्स पैकेज। ओके, ये और मैम आपने फिफ्टी पुणे फाइव टाइम्स लिखा था आठ रोज? दिन से डेली लिख रही हूँ, आई एम डूइंग इट फ्रॉम लास्ट 8 डेज कंटिन्यू डेली, बिकॉज आई एम वेरी वेरी डेस्परेट टू गो टू पुणे बैक, और इस बार परमानेंट। और एक मेरे हस्बैंड का ड्रीम था, लकी लाइक उनको अभी ना, उनको पुणे से भी शिफ्ट होके, मतलब उनको होम टाउन जाना था, लाइक ही वॉन्टेड टू स्टार्ट हिज ओन फैक्ट्री, बिकॉज आई एम फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ पे सब यान ऑटोलूम, शायद आपने सुना होगा, इचलकरंजी इज वेरी स्मॉल टाउन, बट इंडिया की मतलब पूरी करेंसी में, लाइक फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में बहुत अच्छा वो रोल प्ले करता है, तो उनको वो स्टार्ट करना था, तो उनको था कि नहीं मेरे पास मतलब 6-7 करोड़ का जब ये पूरा हो जाएगा तो आई स्टार्ट दैट, और मुझे बिल्कुल नहीं जाना था वहां पे मुझे शुरू से ऐसे था कि आई जस्ट वॉन्ट टू बी इन पुणे, और ये मुझे चाइल्डहुड से था कि मुझे पुणे की रहना है, क्योंकि वहां पे जाने के बाद में, मैं ये नहीं बोल रही हूँ लाइफ बुरी है, वहां पे भी लाइफ बहुत खूबसूरत है, बट वी हैव अ कल्चर लाइक सिर पे पल्लू एंड ऑल टाइम इन द हाउस, एंड ऑफ कोर्स इट्स अ मतलब ब्यूटीफुल फैमिली है हमारी, बट आई एम फ्रॉम अ राजस्थानी बैकग्राउंड, तो हमारे घर में लाइक लेडीज कांट गो आउटसाइड एंड दे कांट डू लाइक एनी थिंग, सिर पे पल्लू रखना है, एंड वी यूज टू, वी नीड टू सर्व आर फैमिली, दैट्स इट, वही हमारी लाइफ होती है, तो मुझे ऑफ कोर्स वो लाइफ तो नहीं जीनी थी, बट माय हस्बैंड वाज, इन दिनों में मैम मैंने उनको मतलब इस तरीके से ही ना, उन्होंने खुद नहीं बोल दिया कि नहीं, नाउ दिस इज द न्यू सेटअप विच केम इन टू माई माइंड, जो मैं पुणे में स्टार्ट करूंगा तो मेरी सारी विशेष जो है वो एक के बाद एक ट्रू हो रही है। एंड मैम यस्टरडे आपको सिर्फ एक छोटा सा इंसिडेंस बताऊंगी, मैं मार्केट गई थी, आई वॉज वेरी वेल ड्रेस्ड अप, और मैं जहां पे गई मैंने अपनी गाड़ी पार्क की, मतलब व्हीकल, मैं 2 व्हीलर चला रही हूँ यहाँ पे, मेरे पास 4 व्हीलर का लाइसेंस नहीं है, वहां पे बहुत तेज बारिश आना शुरू हो गई, तो मैं 10 सेकंड के लिए रुकी, अपना ड्रीम लिस्ट निकाला मैंने और वहीं पे पढ़ लिया, और उसके बाद में बारिश रुक गई वहां पे, क्योंकि मैंने वो जो भी आपने सिखाया लाइक थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मैंने रेन को बहुत सारा बोला कि मैं बहुत अच्छे से घर पहुंच जाऊं, रुक गई बारिश, फिर मैं आगे आई थोड़ी सी 200 मीटर पे आई, और वहां पे सिग्नल था, मैं रुकी, लेकिन मैंने देखा कि सिग्नल से दूसरी साइड में 10 मीटर के बाद में इट वॉज रेनिंग मतलब इतनी तेज बारिश आ रही थी कि मैं 2 व्हीलर तो ड्राइव करने का सोच भी नहीं सकती हूँ, 10 सेकंड्स थे सिर्फ सिग्नल ग्रीन होने के लिए, मैं वहां पे खड़ी रही, आई जस्ट क्लोज माई आईज एंड से थैंक यू सो मच रेन, दैट आप मतलब जो भी मुझे बोलना था मैंने बोला थैंक यू 10 सेकंड्स के लिए बोला, आई जस्ट क्लोज माई आईज, और जब मैंने अपनी आंखें खोली सिग्नल ग्रीन हो गया था, एंड देर वॉज नॉट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ रेन, एक बूंद भी नहीं थी पानी की, और इतनी तेज आ रही थी मैम बारिश की, लग नहीं रहा था कि 15-20 मिनट तक तो रुकेगी क्या, ऐसे होता ना इंटेंसिटी भी कम नहीं होगी, बट इट वॉज सो ब्यूटिफुली स्टॉप, और मैं आराम से घर पे आई, एक ड्रॉप भी नहीं लगा मेरे ऊपर तो दैट्स ऐसी बहुत बिकॉज ऑफ सारी योर चीजें हैं, एनर्जी, दैट्स बिकॉज ऑफ द एनर्जी दैट यू आर कैरिंग। व्हेन यू कैरी एनर्जी, व्हाटएवर यू से थैंक यू टू दैट थिंग जस्ट हैपेंस।
मैम मुझे तो लगता ही नहीं है कि ये मेरी एनर्जी है, बिकॉज मैं बहुत ऐसी पर्सन थी ना कि मैं बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाती थी, बहुत जल्दी डिप डाउन। अभी डिप्रेशन क्या होता है, वो डी भी मेरी लाइफ से निकल गया, लाइक डिप्रेशन का डी भी मेरी लाइफ में नहीं है। माई हाउस इज, मतलब मैं बोल सकती हूँ सबसे खूबसूरत हाउस है मेरे छोटी मेरी जो बीच वाली जो बेटी है मेरी। मैं कई बार ऐसा होता है कि जल्दी जल्दी मैं खाना खाने बैठती हूँ एंड आई फॉरगॉट टू ब्लेस माई फूड, वो लिटरली हाथ से स्पून ले लेती है। उसका अभी हॉलीडेज चल रहा है ना, शी इज जस्ट 7 ईयर्स ओल्ड। शी, आपने थैंक यू बोला फिर से भूल गए ना, मुझे पता था आप भूल जाओगे। चलो बोलो थैंक यू, मैं बोलती हूँ अरे एक बाइट खाने दे। नो नो, बस यू नीड टू से थैंक यू। तो हर टाइम, मतलब ऑन एवरी टाइम, वो दिन में मुझे 50 बार याद दिलाती है। मैं पानी भी पीती हूँ, मामा से थैंक यू टू वाटर, मामा से थैंक यू टू वाटर। एवरी टाइम यू फॉरगॉट ना, आई एम टेलिंग यू, यू जस्ट से आउट लाउड, से आउट लाउड। मैं बोलती हूँ अरे मैंने मन में बोल दिया, नो से आउट लाउड, यही आपने सिखाया ना, से आउट लाउड। तो इट्स सच ए ब्यूटीफुल एनर्जी विच इज फ्लोइंग इन माई हाउस। मैम मैं बाहर भी गई थी क्रूज पे भी, आई एम अ प्योर वेजिटेरियन, तो बीइंग अ प्योर वेजिटेरियन मैं ब्रेड नहीं खाती हूँ। मैं बहुत सालों से फॉरेन में हूँ, मैंने कभी यहाँ का ब्रेड नहीं खाया, बट दिस टाइम आई डिड, बिकॉज मैं जब गई थी तो मुझे एक पर्सनल अटेंडर मिली थी मेरे साथ में, जो क्रूज वालों ने, आई डोंट नो वाई, उन्होंने मुझे देख के दे दी थी कि मैम शी नोज इंग्लिश वेरी वेल, सो वुड यू लाइक टू हैव इट। आई सेड ओके दे दो। और उसने जब देखा कि मैं कुछ भी नहीं खा रही हूँ, लाइक आई एम हैविंग ओनली करी करी करी, वो टोफू और वही सब खा रही हूँ, तो उसको लगा मैम व्हाई यू आर नॉट हैविंग ऑल दिस स्टफ। मैंने बोला नो आई एम अ प्योर वेजिटेरियन, सो यू डोंट इवन ईट एग। आई सेड नो आई डोंट, आई डोंट। ओके मैम नो प्रॉब्लम। तो उसने शाम को, मैम आप इमेजिन नहीं करेंगे, मेरे लिए ना ब्रेड बेक करवाई इंडियन शेफ से, वो भी विदाउट एग थी। और उस टाइम एक्चुअली एक और ये बेनिफिट भी था उस ट्रिप पे, उस क्रूज पे ना 50 लोगों का और एक ग्रुप आया हुआ था विच वॉज फ्रॉम राजस्थान, और सेम मेरे ही कल्चर का था, और वो सारे जैन थे, दे वो लोग भी लाइक एग नहीं खाने वाले लोग थे। तो हम सबके लिए हो गया, और अगले दिन जो जिसने जिस एजेंट ने हमारा ट्रिप बुक किया था ना, उस एजेंट ने पहले ही क्लियरली बोला था कि आई अरेंज वेजिटेरियन फूड फॉर यू, बट यू कांट एक्सपेक्ट लाइक चपाती और पूरी काइंड ऑफ। सो माई हस्बैंड सेड ओके, वो बहुत सालों से बाहर रह रहे तो उनको सब चलता ही, सेड ओके। तो मैंने मन में कुछ सोचा, मैंने बोला ठीक है ये खुद ही अरेंज करके देगी। एंड मैम इमेजिन नेक्स्ट डे क्या था ब्रेकफास्ट में, इट वॉज पूरी आलू की सब्जी एंड पोहा। सबको भूख तो लग रही है, पूरी आलू की बात कर रही हो तुम अभी। मैम मुझे तो बिल्कुल भूख नहीं, जिस दिन से आपको शायद 3 इयर्स हो गए होंगे, 2 इयर्स हुए होंगे आपने बोल के कि आप शायद इंटरमिटेंट फास्टिंग पे रहते हो ना, आपने कौन से वेबिनार में बोला था, डायबिटीज डायबिटीज वाले वेबिनार में शायद बोला था आई टेक माय वो फर्स्ट दिन, मील एट 12। या या सो दैट वाज द डे एंड इट्स टुडेज डे, आई एम हैविंग माय फर्स्ट मील एट 11:30 और 12 मे बी, और मैं भी सिर्फ दो ही मील लेती हूँ दिन के। आई स्टॉप कंप्लीटली लाइक ब्रेकफास्ट, कुछ कुछ फर्क नहीं पड़ता मुझे खाने में क्या बना है एंड यू क्या नहीं बना है, फीलिंग आई मच डोंट, बेटर नो इन हेल्थ हेल्थ वाइज? वेरी वेरी मच बेटर मैम। आई कैन लिफ्ट अप लाइक, मैं 15 kg से आई कैन डू चेस्ट प्रेस, मतलब मैं डम्बल्स उठा लेती हूँ 15 kg के, और पहले आई हैड मस्कुलर अर्थराइटिस, तो मैं अपनी 5 kg की बेटी को नहीं उठा पाती थी। अभी लाइक मैं 25 kg के, जब मैं एयरपोर्ट से आती हूँ ना तो 30 kg का सूटकेस रहता है कई बार मेरा। मैम मुझे हमेशा इतना प्रिविलेज मिलता है ना कि मेरा कभी कोई बैगेज चेक ही नहीं करते, मतलब मैं 30 kg भरू, 32 kg भरू, जबकि 22 kg लिमिट होती है। तो ये शुरू से हुआ है मेरे साथ में, कोई मेरा चेक ही नहीं करता। मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते हैं यार तुम अकेली जाया करो, तुम कितना भी वेट लेके चले जाओ तुम्हें कोई देखता नहीं है। तो मैम अभी वो 30 kg की सूटकेस में एक हाथ में उठा लेती हूँ विदाउट एनी ट्रबल, मतलब आराम से, वो जो अटेंडर रहता है ना वो भी मुझे देखता रहता है, मैं उठा के आराम से ऐसे ही ट्रॉली में रख देती हूँ 30 kg इवन। तो मैं पहले इतनी वीक थी कि मैं 2 kg नहीं उठा पाती थी, मेरे हाथ दुखने लग जाते थे और मुझे सब ऐसे पेन होना शुरू हो जाता था। एंड मेरे हैंड्स बहुत बड़े थे, लाइक बहुत जम्बो साइज के थे, मैं खुद 92 kg की थी और मेरे हैंड्स बहुत जम्बो थे, इतने इतने बिग यू कैन से कैमरे व्हाट्स में योर दिख रहे करंट थे। वेट? वेट तो मैम 58 kg है, बट हाँ दिखने में मतलब मतलब 92 to 58। व्हाट यू मीन 58? इतनी ज्यादा होता है? मैम आपने ही 90 बोला था, आपको आपको शायद याद नहीं है, 1.5 ईयर पहले आपने बोला था कि योर वेट शुड बी लाइक 52 kg, यू डोंट इवन रिमेम्बर, बट आई रिमेम्बर दैट थिंग। तो कोई बात नहीं, या तीन बच्चे भी तो पैदा किए हैं अभी। 58, 92 से 58 की बहुत अप्लॉजिबल जर्नी है। थैंक यू सो मच, और मेरी पूरी जर्नी के पीछे आप है, मतलब लिटरली मैं बहुत खुले दिल से बोलती हूँ, ये सबको बताती हूँ,
जितने लोग मेरी लाइफ में है ना, वो मेरी मतलब कोई भी रहने दो, तो जिनको आपसे कोई मतलब हो नहीं हो, सबको पता है कि ये इनकी मेंटोर है, एंड एवरी वन नोज यू. क्योंकि मुझे लगता है मुझे जो मिला है, ये चीज मेरी मम्मा ने भी मुझे सिखाई थी कि जो आपको मिला है उसके लिए अगर आप थैंक यू नहीं बोलोगे, तो मतलब मेरी मम्मा नारायण को बहुत मानती है, तो उन्होंने बोला आपको हर दिन बोलना चाहिए. तो मैं बचपन से वो करती आई हूँ, और जब आप मिले तो मुझे सही एक डायरेक्शन मिल गया कि एग्जैक्टली हाउ टू से थैंक यू. क्योंकि बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल तो मैं भी नहीं थी, बट हाँ अभी मुझे बिल्कुल लाइफ में एकदम राइट पाथ मिल गया. बिकॉज मैं एक बहुत ज्यादा डिप्रेसिव पर्सन थी, डिप्रेसिव इन द सेंस हर टाइम मतलब मुझे कुछ ना कुछ चाहिए ही होता था. इस जगह पे पहुंच गई, फिर मुझे लगता था अब क्या, मैं कुछ तो होती ही नहीं थी किसी भी सिचुएशन में. मतलब लोगों का पेरिस जाने का ड्रीम होता था, मैं जब पेरिस पे वो आईफल टावर के नीचे खड़ी थी तभी मुझे लग रहा था सो व्हाट, अब क्या करूं, अब क्या कैसे खुशी ढूंढूं, मुझे खुशी नहीं होती थी. और अभी अगर मैं हर चीज में खुश होती हूँ, मतलब मैं कहीं पे भी हूं ना, आई एम सो हैप्पी कि यस मुझे और एक दिन मिला है जीने के लिए, एंड आई एम सो 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 हैप्पी. बहुत खुश हूं मैं अपनी लाइफ में. और मैम मुझे हर जगह बहुत एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिलते हैं. कल मैं मसाज के लिए गई थी, तो मेरी बहुत टाइम से विश थी कि यहाँ की वियतनामीज फेस मसाज बहुत फेमस होती है ना, तो पर मैं हमेशा टाइम की वजह से मैंने कभी करवाई नहीं. तो कल उसी ने मुझे पूछा, मैम वुड यू लाइक टू हैव फेस मसाज, आई सेड ओके, बट मैं 2 घंटे तो नहीं बैठ सकती फेस के लिए. तो इट्स ओके, इट्स ओके, वी कैन मर्ज इट अप विद इन 1.5 आवर, विल डू बोथ, आई सेड ओके. तो ऐसे होने लग गया, और जितनी देर में उन्होंने मुझे फेस पैक लगाया ना, उतनी देर में उन्होंने मेरा फुट मसाज बहुत अच्छे से किया. तो मतलब हर जगह मेरे हस्बैंड बोलते हैं, अरे मैंने भी तो वही पैसे दिए, मतलब मुझे तो नहीं मिला ये, तुमको कैसे मिला? मैंने बोला वो दीप्ति मैम से जाके पूछ मुझे कैसे मैं मिला. बता दूंगी उनको कि कैसे फुट मैम उन्होंने मसाज और फेस मसाज साथ मिलता है। नहीं मैम, लेकिन वो बोलते हैं मैं तो इस सेंटर में डेली मतलब एवरी 15 डेज में आता हूँ, आई नेवर गेट दीज काइंड ऑफ या प्रिविलेजेस. बिकॉज योर तुम्हें एनर्जी इज डिफरेंट नो। मैम पता नहीं मेरी एनर्जी है कि आपकी है, मुझे तो नहीं समझ में आता. क्योंकि पूरे टाइम मेरे सबकॉन्शियस माइंड में एक जो फेस रहता है वो कांस्टेंट रहता है, वो हिलता नहीं है वहां से. वो आपका फेस है, वो कभी भी उसकी इमेज जो है वो मतलब ब्लर नहीं होती है वो इमेज. ग्रेट, तो वेलकम टू इंडिया एंड वेलकम टू पुणे। कब आ रही हो तुम तामझाम लेके, सारा सामान लेके? मैम पता नहीं अभी टिकट्स नहीं आए, अभी जब भी यहाँ की एचआर अप्रूवल दे दे मेरे टिकट्स आ जाए, एंड देन और इस बार बस मैं परमानेंट इंडिया, मुझे कहीं नहीं जाना है इंडिया से. नहीं तुम ग्लोबल आइकॉन बन के फिर इंडिया आ रही हो। बोलो मैम ऐसा तो मतलब इट्स ऑल ड्यू टू यू. हाँ, बोलो हाँ हाँ बट इट्स हाँ ऑल मतलब सारी आपकी टीचिंग इज जस्ट हैपन विद इन 15 to 20 days, एंड आई जस्ट कांट थैंक यू सो मच. ऑसम। एंड इट इज नॉट इजी टू डू 555 प्रैक्टिस फॉर 8 days एवरी डे। इट इज वेरी वेरी हार्ड, इट नीड्स अ लॉट ऑफ टाइम। आप वर्किंग हो, आपके 3 बच्चे हैं, बाहर के कंट्रीज में इतने सारे हेल्पर्स नहीं होते कि हर चीज के लिए कोई कुछ आ रहा है, सब सब खुद ही करना पड़ता है। उसके बाद यू हैव डन इट, सो इट इज वेल डिजर्व्ड। यू हैव डन एफर्ट्स फॉर इट, लाइक यू वर्कड ऑन योर सेल्फ टू गेट द रिजल्ट आउटसाइड, है ना? थैंक यू दैट्स सो मच. मुझे लगा इनक्रेडिबल। कि आपने बोला है इफ यू कैन डू आई कैन डू. आपने बोला इंटरमिटेंट फास्टिंग, पहले मैं सोच भी नहीं सकती थी, मुझे लगता था 15 20 डेज, बट मुझे लगा मैम ने बोला है इसका कोई तो रीजन होगा. द डे यू सेड मैम, मतलब मेरे दिमाग में कोई दूसरा थॉट भी नहीं आया. उसी दिन शायद आपका जो हमारा डायबिटीज का वेबिनार आप जब लेते हैं, वर्कशॉप 3 डेज का होता है शायद, 2 या 3 डेज का, तो 2nd डे से ही मैंने ब्रेकफास्ट करना मतलब पूरा बंद कर दिया लाइक. और मैं जिम में भी अच्छा खासा टाइम लाइक 1.5 और 2 आवर्स आई यूज टू स्पेंड, क्योंकि मैं बहुत जल्दी उठ जाती हूँ, तो मेरे पास आराम से इतना टाइम होता है कि मैं खुद पे 1.5 आवर एक्सपेंस कर सकूँ. उसके बाद भी आई नेवर फील हंग्री काइंड ऑफ, मतलब मुझे भूख क्या होती है, भूख लगती है आई जस्ट हैव 1 ग्लास ऑफ वाटर, और मैं आपका वो सेंटेंस याद करती हूँ, भूख कुछ नहीं होती, इट्स ओनली इन योर माइंड, योर स्टमक इज जस्ट लाइक 50 ml, 1 fist इक्वल टू योर 1 fist, और वो 3 सेंटेंस ध्यान में आते ही सब खत्म हो जाता है मेरा, मुझे नहीं लगती भूख. ग्रेट, ऑसम, थैंक यू, कंग्रेचुलेशंस। इट्स सच अ बिग विक्ट्री टू बी रेलोकेटिंग फ्रॉम दैट कंट्री एंड एट एन इनसेन अमाउंट ऑफ अ पैकेज दैट योर हस्बैंड हैज गॉट, एंड टू द थैंक यू सिटी सो ऑफ मच. पुणे जहाँ पे ऑलरेडी आपका घर है। सो कंग्रेचुलेशंस एंड स्टार्ट मैनिफेस्टिंग द एडमिशंस ऑफ योर 3 चिल्ड्रेन ऑल्सो, है ना? जस्ट स्टार्ट। अब आप 555 प्रैक्टिस, ये तो ड्रीम रियलाइज हो गया क्योंकि उनको ऑफर लेटर मिल गया है। अब आप अपने बच्चों के एडमिशन के लिए करना शुरू करो।
थैंक यू सो मच मैम, रहो ये जब मैं तक। यही सोच रही थी। और देखिए मतलब आप मेरे हर सेशन में, आप पता नहीं कैसे, मतलब मुझे थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है ना, इमीडिएटली उस सेशन में आप मुझे उसका आंसर देती हैं। आई डोंट नो, मुझे ऐसा भगवान लगता है, मैं रिस्पॉन्सिबल है, मैं नहीं। देयर इज सम फोर्स व्हिच मैम इज मुझे ऐसा फोर्स। लगता है ना, ये इतने लोग नहीं कर रहे हैं ये सब ना, ये मैं अकेली अटेंड करती हूँ सुबह क्लास, और मुझे मेरे सारे आंसर्स मिलते हैं, इसीलिए मैं कभी हैंड रेज नहीं करती। आई नेवर आस्क यू एनीथिंग, क्योंकि मुझे बिना पूछे, और आपके जितने वर्कशॉप्स भी मैं अटेंड करती हूँ, मैं क्वेश्चन लिख के रखती हूँ, बट मुझे आज तक, आपको शायद याद नहीं होगा मेरा कभी हैंड रेज, या आपने कभी मेरी आवाज नहीं सुनी होगी, क्योंकि मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी आज तक कभी। एक बार तो आपको बिलीव नहीं होगा मैम, आप थायराइड पे वर्कशॉप ले रहे थे, और मुझे कैंसर पेशेंट का डाइट चाहिए था, क्योंकि एक 28 ईयर जो गर्ल थी वो मेरे पास एनरोल हुई थी कैंसर के लिए, उसका 1 ईयर ओल्ड बेबी था। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा था, शी वॉज टू थिन, लाइक 36 kg वॉज हर वेट। मुझे नहीं समझ आ रहा था मैं उसको क्या डाइट दू, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव मैटर था, वो बहुत खुद भी डिप्रेस थी। मैम इमेजिन क्या हुआ होगा उस दिन, आपने लिटरली थायराइड पे डाइट बताते बताते बीच में ही यू स्टार्टेड कैंसर डाइट, जबकि आप अभी कभी भी ऐसा करते नहीं हो, और मुझे नहीं पता क्या हुआ, और आपने पूरा डाइट बताया हमें कैंसर के लिए, एंड इमेजिन उस सेम डे पे मैंने वही डाइट प्लान बना के दिया उनको। गुड, यू सीक इट सो यू गॉट इट। कहते हैं ना, यू गेट व्हाट यू सीक। ग्रेट, सो ऑसम, थैंक वेरी यू गुड सो मच एक्सपीरियंस, मैम, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर वर्किंग ऑन योरसेल्फ सो नाइसली एंड बीइंग सो कनेक्टेड टू द यूनिवर्स। इसीलिए सब हो रहा है, अपनी एनर्जी आपकी बहुत हाई और वो सबने फील किया होगा। इट्स बिकॉज ऑफ योर एनर्जी। सो सुनीता जी, आपको अपना रिप्लाई मिल गया। इन्होंने ड्रीम लिस्ट में डाला था जो ये रोज पढ़ती हैं, मैम जब लिखती बारिश हो थी रही थी और सड़क के किनारे वेट कर रही थी बारिश रुकेगी तब मैं अपने अपने मुझे, व्हीकल पे बैठ के जाऊंगी, तो उन्होंने उस टाइम पे भी अपनी ड्रीम लिस्ट निकाल के पढ़ी थी, जबकि उस वक्त आप परेशान हो रहे होते हो कि बच्चे घर पे वेट कर रहे हैं, बारिश नहीं रुक रही है। उस वक्त इतना ध्यान नहीं आता कि ड्रीम लिस्ट, पहले तो आप मार्केट में लेके क्यों जाओगे अपनी ड्रीम लिस्ट, है ना, बट उस वक्त निकाल के पढ़ना, वेटिंग फॉर द रेन टू स्टॉप बिकॉज इट इज रेनिंग, यू स्टैंडिंग ऑन अ रोड साइड एंड यू नो, सो आप अपनी ड्रीम लिस्ट निकाल के पढ़ रहे हो, दैट इटसेल्फ इज अ टेक अवे। एंड आई थिंक इट इज योर 555 प्रैक्टिस इनटू 8, सो यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड। दिस इज द रीजन व्हाई योर लाइफ इज चेंज्ड सो ड्रास्टिकली, सो सो मच मैम, दिस इज इट्स अमेजिंग। ट्रू, यू कैन रीड आवर हार्ट्स वेरी वेल। एवरी सो इट्स सो अमेजिंग। टाइम आई फेल्ट व्हाट एवर इज देयर इन माय माइंड एंड इमीडिएटली दैट कम्स फ्रॉम यू। It just so happens. I think it is some divine playing up. It's definitely not me, something. इवन अबाउट द हेयर कट मैम, मेरा हेयर कट हुआ आई वाज सो, मतलब मुझे पसंद नहीं आया, एंड नेक्स्ट डे यू सेड कि रॉक क्यों नहीं लेके जाते हो, मैनिफेस्ट करना, रॉक लेके जाना, इवन टू दैट लेवल। Awesome. थैंक Thank you, and यू thank you, Vinita, for sharing it so intricately to all of us and inspiring. वेरी वेरी I'm नाइस, sure वेरी नाइस, everybody is inspired. सो मेनी थिंग्स टू लर्न, Yeah, so many things to learn, actually. They, yes, सेट ऑफ थिंग्स टू Aarti. लर्न, या सो Aarti, Aarti. इंस्पायरिंग यू आर, Very, very inspiring, amazing, very good. वेरी, एंड दैट टू Aarti. लाइक विदाउट हैविंग एनी हेल्प बाय हर साइड, शी एंड हाँ डिस्पाइट हैविंग किड्स मैम, छोटे छोटे बच्चों के हाँ साथ ये सब छोटे करना, बच्चे हैं इनके, आई थिंक। कितने साल के विनीता आपके तीनों? मैम जो सबसे छोटा वाला है वो अभी जस्ट 5 ईयर ओल्ड, मतलब उसका 5 ईयर्स कंप्लीट हुआ है, द मिडल वन शी इज 7 ईयर्स ओल्ड, और उससे जो दृष्टि है शी इज 11 ईयर्स ओल्ड, बट 5, 7, 11, और बहुत मैम छोटे वाले तीनों हैं। मेरे साथ लिखते हैं, अगर हाँ मैं टीवी मोबाइल नहीं देखती तो माय किड्स आल्सो दे डोंट वॉच, उन्होंने देखा तो इमीडिएटली दे आस्क मी कि मामा वी आल्सो वांट अ बुक, आई सेड ओके, वी वांट अ पेंसिल फॉर राइट, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम वही है, दे आर इन ब्रिटिश पैटर्न वाले जो स्कूल है, तो वहीं पे सारा स्टेशनरी होता है, तो आई सेड ओके इमीडिएटली तीनों को, और वो जो छोटा वाला है ना उसने थैंक यू यूनिवर्स दोनों स्पेल आई थिंक विद इन 5 मिनट्स में ही लर्न कर लिए, वो भी लिखता है, क्योंकि पांच वो साल में मुझे, उसको लिखना आता है हाँ इतना? हाँ ही इज वेरी क्लेवर, तो मैंने थैंक यू उसको कभी नहीं यूनिवर्स सिखाया, लिखता है। वो अपनी सिस्टर्स को देख के वो लिख लेता है,
वो कुत्ता नाम लिख लेता है और वो पूरा लिखता है थैंक यू यूनिवर्स। लिटरली मैं आपको मेरे बच्चों की बुक्स की पिक्चर शेयर कर सकती हूँ। सुबह भी उठ के जब मैं सेशन कर रही होती हूँ तब दे स्टार्ट राइटिंग, जब मैं जिम से वापस आती हूँ, क्योंकि यहाँ पे 7:30 हो जाते हैं जब सेशन शुरू होता है तो वो बहुत लेट हो जाता है। आप उन तो तीनों की मैं फोटो तो भेजना, हम ग्रुप पे पोस्ट करेंगे। आई एम श्योर एवरीबडी वुड लाइक टू सी इतने प्यारे प्यारे बच्चे। मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना सोच सोच के, है मैम दृष्टि ना। तो अभी बोल रही है कि मैम मामा यहाँ से पहले वी वांट टू गो टू दिल्ली, क्योंकि हमें दीप्ति मैम से मिलना है। मैंने बोला इतना सारा लगेज लेके कहाँ दिल्ली जाएंगे, मैं हम फिर से चलेंगे दिल्ली। हम पुणे आ जाऊंगी, डोंट वरी। मैं वैसे मैम भी बोल जाती रहती हूँ। मैम, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है ना कि मैं पुणे में आपसे मिल पाई हूँ, बट दिस टाइम आई विल स्टार्ट राइटिंग अबाउट दिस। मैम इवन मैं दृष्टि लाइक द तो डे पक्का शी हो गया। ज्वाइन, मैम इवन द दृष्टि व्हेन शी ज्वाइन द फर्स्ट डे, तो फ्रॉम फर्स्ट डे ओनली शी ऑन द कैमरा, शी रोट द नो वन टोल्ड हर एनीथिंग। शी हाँ मतलब इतनी ब्राइटनेस है और उसमें इतनी चर्पीनेस है। यस्टरडे आल्सो शी रेड इट, शी इज सच अ ब्यूटीफुल गर्ल, रियली ब्यूटीफुल गर्ल। थैंक यू दैट्स सो मच अमेजिंग। मैम, आई थैंक यू। सी एवरी डे पूनम व्हाट शी राइट्स, एंड सो आई हाँ सी जी बोथ द जो हमारे इवनिंग हाँ सेशंस के सारे, जी या सो 3 to 4 times in a day I do go on them just to see and get the look and feel. So I've seen Drishti's work. She's amazing and very, very sincere. So all Really that is coming sincere from Vinita. from कहते हैं ना, जब Vinita, सोर्स yes. सोर्स ही And ऐसा Vinita होता is है कि getting that उसके from you. ऑप्शन now I know from सोर्स Vinita माई सोर्स is दीप्ति coming. मैम है। We can see the chain, the whole supply chain. Yeah, that's Yes, what. No, because अगर ओवरहेड टैंक का yes. पानी इतना साफ सुथरा सुगंधित है तो फिर टैप में से तो वही पानी निकलेगा ना। यस एब्सोल्युटली मैम एब्सोल्युटली, मुझे लगता है ना थोड़े दिनों में ये दृष्टि अपना वॉलपेपर चेंज करके आपका लगाने वाली चलेगा मुझे तो। है। वो मैं अपने हरकतों के बारे में और माइंडफुल हो जाऊंगी, डोंट दृष्टि को इतना, मतलब वो इतना डेस्परेट है मिलने के लिए, मामा व्हेन वी आर गोइंग टू इंडिया, आई वांट टू गो टू दिल्ली, आई वांट टू मीट दीप्ति। अरे मैंने बोला मैं नहीं मिली हूँ, तू क्या मिलेगी अभी, वेट वरी। कर। ओ प्लीज कम एनी टाइम, दिल्ली इज अ होम टू मैम ऑल दिस ऑफ यू। कम डोंट थिंक ट्वाइस अबाउट कमिंग टू दिल्ली। तो विनीता यू आर डूइंग 55 times पर डे, 5 बार सुबह, फिफ्टी हाँ यही तो, मतलब फाइव 55 55 इंटू 5 55 इंटू 55 8 25 55 इंटू ओ 5 माय ट्वेंटी इंटू फाइव एवरी डे 8 225 एवरी डे वाओ हाँ मैम, जी। जिस दिन आपने बोला ना कि व्हाई कांट यू वेक अप लाइक 15-20 minutes अर्ली, सो मैं सीधा जंप किया, आई स्टार्टेड वेकिंग अप लाइक 1 hour अर्ली। मैं 4:30 उठती थी, आई स्टार्टेड वेकिंग अप 3:30 एंड आई स्टार्टेड डूइंग माय ऑल द वर्क। ग्रेट, इनक्रेडिबल, थैंक यू, अमेजिंग, वेरी गुड, दिस इज ब्रावो। कंप्लीट सरेंडर द मैम, मोस्ट या अमेजिंग शी डिजर्व अ लाइन। स्टैंडिंग ओवेशन, या शी डिजर्व्स अ स्टैंडिंग ओवेशन। शी डिजर्व्स यू डू डिजर्व। ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन वी आर क्लैपिंग। एवरीबॉडी। यस, कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू, वेलकम टू इंडिया एंड पुणे, एंड मेक इंडिया अ बेटर प्लेस टू लिव इन बाय योर ओन थॉट एफर्ट्स। सो मच। Great. Please congratulate your husband also on our behalf and say we are sending him a lot of love and success for his career. थैंक यू सो मच मैम। Okay, thank you. Yes, Aarti, over to you. Stage is yours. नो नो मैम, एक्चुअली आई गॉट मेनी मैजिक क्यूज फ्रॉम विनीता, थैंक यू सो मच विनीता। बहुत सारे मैजिक क्यूज मिले आज मुझे, बहुत सारी चीजें पर पता चला है। मतलब आप बोलते हो, हम करते भी हैं, फिर कई बार हम वो पीछे हो जाती है चीजें, फिर वापस कुछ चीजें आती हैं कि रिमाइंड करा देती हैं कि अच्छा ठीक है, दिस वॉज यू, मतलब आप पहले करते थे बट अगेन स्टार्ट डूइंग इट। सो थैंक यू विनीता मैम, टूडे इज श्रेयस बर्थडे, माई सन्स बर्थडे, सो आई नीड योर Oh, विशेज। that celebration, he's also a यस Cancerian. मैम, Wow. यस मैम, Shrey, if you're listening to me, but your mama will make sure that you listen, wish you a very, very happy birthday. I've been hearing so many stories about you, about the goodness. I remember when we were in Bali and you immediately booked Finn's nightclub for us, and आप उसके साथ juggle कर रहे थे. मतलब इस तरह का heart अगर आपका है, you are superb, incredible, and a very, very special kind of a child. You know, like this is amazing, the day the way you were telling us go here, go there, do this, do that, and all of that. It was, that is when Aarti was talking so much about you, and Shrey, congratulations. And I dil se
सेंड प्रेयर्स एंड लव लाइट फॉर योर फैबुलस करियर इन योर जॉब एंड वेयर यू विल मेक द वर्ल्ड प्राउड. दिस इज माई विश एंड ऑलवेज रिमेंबर इट. यू हैव टू डू थिंग्स इन योर करियर दैट मेक्स द वर्ल्ड प्राउड बिकॉज यू आर मेंट फॉर दैट. एंड कंग्रेचुलेशंस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे एंड अ ग्रेट ईयर. ग्रेट सक्सेस इन योर वर्क एंड बी अ नाइस पर्सन ऑलवेज ऑलवेज. नेवर फॉरगेट द रूट्स. रूट्स थैंक में खड़े हो सो गए मच मैम, फिर दुनिया के ग्लोब के ऊपर. थैंक यू सबसे मैम। मैंने उससे फर्स्ट 12 डेज अच्छा वाली प्रैक्टिसेस सारी करवा रही हूँ, ओनली फर्स्ट 12 डेज की। इट अच्छा मैजिक रॉक, काउंट माय ब्लेसिंग्स, कंटिन्यू विद इट, एंड बाकी 3rd डे से लेके 11 डे तक की, सारी 12 डे तक की सारी प्रैक्टिसेस करनी है, नो वाह. मैटर व्हाट। सारी मम्मिया ना इनक्रेडिबल मॉमीज हो गई हैं. ऑल बिकॉज ऑफ यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू रियली, ग्रेट मतलब दिल से थैंक अमेजिंग. यू मैम, थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच. यस शीतल. तो प्रिया आज भी हमको एक्सपीरियंसेस डिटैच करने पड़ेंगे अपने मेन सेशन से. आई लेट पीपल फोकस ओनली ऑन द एक्सपीरियंसेस. गुड यस मॉर्निंग मैम. श्योर. मैम, गुड मॉर्निंग. थैंक यू, थैंक यू मैम। मेरे और 2 ड्रीम्स रियलाइज हो गए हैं, वाह. और बड़े ड्रीम्स है काफी। फर्स्ट ड्रीम लास्ट ईयर एक्चुअली मैंने अपने मैजिक बोर्ड में लिखा था, विजन बोर्ड में, दैट आई वांट टू ट्रैवल टू यूरोप। बट लास्ट ईयर ड्यू टू माय डॉटर्स एडमिशन एंड ऑल प्रोसेस हम लोग नहीं जा पाए थे। दिस ईयर अगेन आई रोट इन माय ड्रीम लिस्ट दैट आई वांट टू गो टू यूरोप, बट दिस ईयर आई वाज स्पेसिफिक दैट आई वांट टू गो टू इटली। लास्ट ईयर मैंने एक पिक्चर ली थी, आई डिडंट न्यू कि यूरोप की कौन सी पिक्चर थी वो। मैंने वो पोस्ट कर दी थी अपने ड्रीम बोर्ड में, रीड करती थी मैं डेली कि यूरोप जाना है। एंड बाय मतलब वो चलो नेक्स्ट लास्ट ईयर का था, दिस ईयर व्हेन आई मेड आई वाज लुकिंग फॉर इटली। हम लोगों ने टिकट्स बुक करवाई, सब कुछ करवाया अप्रैल में। आफ्टर बुकिंग माई टिकट्स एंड ऑल, वी वेंट फॉर वीजा, आई मीन वी वेर चेकिंग फॉर वीजा, एंड वी केम टू नो कि सबसे डिफिकल्ट वीजा जो है वो इटली का वीजा है। और इटली का वीजा हमें वी स्पोकन टू सम एजेंट्स एज वेल, तो सारे एजेंट्स ने हमें ये कहा कि इटली का वीजा मिलना इम्पॉसिबल है, यू नीड टू चेंज योर डेस्टिनेशन। बट डेस्टिनेशन का ये था कि टिकट्स हमारी जो थी वो नॉन रिफंडेबल थी, नॉन मॉडिफिकेशन थी, सो वी वेर जस्ट थिंकिंग कि अब क्या किया जाए। एट द सेम टाइम आई वॉज डूइंग माई 555 प्रैक्टिस, 2-3 टाइम्स मैंने 555 प्रैक्टिस की होगी है उसमें। व्हेन वी वेर सर्चिंग फॉर गूगल एज वेल, क्योंकि एजेंट ने तो मना कर दिया था कि इटली का तो होगा ही नहीं, एजेंट ने कुछ और ऑप्शंस दिए थे, बट देन वी थॉट कि नहीं, अब अगर इटली का प्लान किया है तो जाना तो इटली ही है। देन थ्रू सम वेबसाइट वी केम टू नो कि अगर आप मेल करते हो इटली एम्बेसी में तो देर इज सम प्रोबेबिलिटी कि आपको वीजा मिल जाए। 555 प्रैक्टिस किया, होपनोपोनो किया वीजा के लिए, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एजेंट ने हमें एक ऑप्शन दिया था कि आप स्विट्जरलैंड का वीजा कर लो, बट आप ट्रैवल इटली कर लेना, थोड़ा सा रिस्क होगा बट आप कर सकते हो वैसे। बट वी वेयर कि नहीं, हमें रिस्क लेके नहीं जाना है, हमें जाना है तो प्रॉपरली जाना है। मैम यू वोंट बिलीव, हमने स्विट्जरलैंड का वीजा फाइल कर दिया, अपॉइंटमेंट डेट्स आ गई, और स्विट्जरलैंड के वीजा की अपॉइंटमेंट डेट्स के 1 वीक पहले ही हमें इटली एम्बेसी से मेल आ गया दैट यू आर गेटिंग अपॉइंटमेंट इन एनी ऑफ 1 वीक, यू कैन कम डाउन ओवर हियर एंड यू कैन टेक योर अपॉइंटमेंट दैट वे। सो अगेन वी स्टार्टेड द प्रोसीजर फॉर इटली वीजा। इटली वीजा का गए हम लोग एम्बेसी में, गए वहां स्मूथली, हम लोगों का सब कुछ हो गया। नेक्स्ट डे, 2nd डे ही हमारा वीजा आ गया इटली का। एंड नाउ इफ आई से प्रैक्टिस, फर्स्ट थिंग, इटली हमारा कोई प्लान नहीं था लास्ट ईयर तक, सिर्फ यूरोप प्लान था। एक पिक्चर पोस्ट की थी यूरोप से लेके मैंने, और वो इटली की ही थी। मतलब इस साल जब हम लोगों ने प्लान किया तब तक मेरे दिमाग में था ही नहीं कि अच्छा मैंने लास्ट ईयर जो पोस्ट की थी वो इटली था, यूरोप, बिकॉज माय वाज कि यूरोप जाना है। एंड ऑल ऑफ सडन कैसे ये सारा प्रोग्राम बन गया एंड इटली बन गया। नाउ द सेकेंड पार्ट इज, 45 डेज तक कंटिन्यूस आई वॉज राइटिंग 11 टाइम्स कि माई इटली ट्रिप शुड बी स्मूथ इजी, एंड चेक इन चेकआउट सारा स्मूथ होना चाहिए, एवरी वंस हेल्थ शुड बी परफेक्ट। यू वोंट बिलीव मैम, हमने कोई एजेंट हायर नहीं किया था, मी एंड माई डॉटर वॉज प्लानिंग एवरीथिंग, सारा इतना स्मूथ था। एंड मतलब वो ट्रिप में अगर मैं सोचू तो 0.005% का भी प्रॉब्लम नहीं आया किसी भी चीज में।
दो वी वेर बोथ प्लानिंग, वी डिडंट न्यू एनीथिंग अबाउट इटली. एवरीथिंग थ्रू गूगल वी वेर प्लानिंग. एक एक डिनर्स हम लोगों ने प्लान किए थे, एक एक लंच हमने प्लान किए थे, यहां से हम सारा बुकिंग करके गए थे. एंड एवरीथिंग वॉज स्मूथ. दिस इज बिकॉज ऑफ योर टीचिंग्स मैम दैट वी हैव डन दिस. सो थैंक यू सो मच. अमेजिंग, कंग्रेचुलेशंस। एंड यूनिक, श्योर कैसे विजय जी ने वीडियो वो बनाया, वैसे अब आप बना के पोस्ट कीजिए। मैम, ये देखिए मैम, मैंने ये हर जगह लगा दिए थे जब वीजा नहीं मिल रहा था. क्या लिखा हुआ है इस पर, दिख नहीं रहा है हमें, पढ़ के सुनाइए। दिस इज थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स फॉर अ परफेक्ट लग्जूरियस एग्जॉटिक वेकेशन टू इटली इन जून 2024. ये मैंने अपने वार्डरोब पर लगा दिया था. बच्चों को भी बोलती थी कि आते जाते जब भी तुम लोग यहाँ से आते करो हो पढ़ा करो इसे. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी आप प्रैक्टिसेस बोलते हो वो भी होती है. ट्रिपल फाइव प्रैक्टिस मीना ने भी बताई थी वीजा के लिए, वो भी की थी मैंने. सो दैट इज नाउ सेकेंड ड्रीम जो है, व्हेन यू स्टार्टेड आवर बुक ब्रेकिंग द हैबिट. सो आई एम वर्किंग एज अ सेंटर हेड विथ वन ऑफ द स्कूल एंड सिंस 5 years आई एम वर्किंग विद दैट स्कूल. और मेरा ये था कि मैं रिटायरमेंट भी यहीं से लूंगी, बहुत ईजी है, पास में है, ऑल द फेसिलिटीज आर देयर. बट वेन वी स्टार्टेड रीडिंग दिस ब्रेकिंग द हैबिट, आई थॉट कि मुझे भी अपना कोई तो हैबिट ब्रेक करना है. सो आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड कि चलो आई विल थिंक अबाउट चेंजिंग माई जॉब. एंड नाउ लास्ट वीक आई हैव गॉट एन ऑफर फ्रॉम वन ऑफ द स्कूल एज एन हेड मिस्ट्रेस पोजिशन. नाउ द थिंग इज दैट नाइस। वॉट एवर, अगेन इसके लिए जब वेन वी स्टार्टेड विद ब्रेकिंग द हैबिट, तो मैंने अपने लिए लिखा था मेरी ड्रीम लिस्ट में कि आई वॉन्ट टू बी एज एन हेडमिस्ट्रेस पोजिशन, आई वॉन्ट 2 Saturdays ऑफ, आई वॉन्ट 2 Saturdays हाफ डे, माई टाइमिंग शुड बी सो एंड सो, एंड माई सैलरी पैकेज शुड बी सो एंड सो. यू वोंट बिलीव मैम, जो मैंने लिखा था पूरा का पूरा वही है. दो मैंने उसमें लिखा था द स्कूल शुड बी क्लोज टू माई हाउस, ये स्कूल थोड़ा सा दूर है. बट देन आई थॉट अबाउट दिस कि ठीक है, शायद मुझे अपनी हैबिट कहीं ब्रेक करनी चाहिए. मैं बिल्कुल सब कुछ अपने घर के पास देखती हूँ, शायद वो हैबिट ब्रेक करने के लिए मुझे यूनिवर्स ने ये दिया है कि थोड़ा सा ट्रैवल करके जा और बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी. तो दैट इज वन ऑफ द रीजन आई थिंक सो. अगेन इसके लिए वही था, ट्रिपल प्रैक्टिस की थी, अपने वाटर प्रैक्टिस की थी. और अपार्ट फ्रॉम दैट एक ड्रीम लिस्ट तो था ही. ड्रीम लिस्ट मैं हमेशा रीड भी करती हूँ और मैंने अपना ये बना के रखा है पोस्टर, तो डेली 2 to 3 times मैं ये अपना पोस्टर देखती हूँ. और इसमें वही सारी चीजें लिखी है जो पूरी मेरी 10 ड्रीम लिस्ट है इस साल की, कि हाँ मुझे ये विजन को विजन बोर्ड बोलते बोर्ड. हैं सो वो पोस्टर। सारा किया था. तो दैट इज द थिंग. नाउ जब मैंने ये व्हेन आई गॉट एन ऑफर फ्रॉम दिस स्कूल, तो आई वाज थिंकिंग कि ये दूर है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए. मैम यू दिस इज एन एनजीओ राइट? सो आई हैव नेवर वर्क फॉर एनी ऑफ द एनजीओ. सो आई वाज थिंकिंग कि एनजीओ में मैं वर्क कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, क्या रहेगा. दो दे आर गिविंग मी 45% ऑफ इंक्रीमेंट एज वेल राइट? सो आपने कहा है कि रात में अगर आपको कहीं कंफ्यूजन है, आप रात में अपने आप से पूछ के, सबकॉन्शियस माइंड से पूछ के आप सो जाओ. मैंने 5 6 days, बिकॉज मैंने ये एक्सेप्ट नहीं किया था ऑफर, मैं रोज अपने आप से पूछ के सोती थी कि मुझे करना है नहीं करना है, क्या करना है, बिकॉज ये दूर भी है स्कूल, बाकी सब अच्छा है, एनजीओ है, मैंने कभी वर्क नहीं किया है. 5 6 days बाद मुझे नहीं पता है मैंने कहाँ टीवी में क्या देखा है कि यूजुअली ये होता है कि वॉलंटरी वर्क करने के लिए एनजीओ में पीपल लुक फॉरवर्ड, एंड आई एम गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑन सैलरी, एंड स्टिल आई एम थिंकिंग सो मच कि अगर मुझे सोसाइटी के लिए कुछ करने मिल रहा है एंड दैट टू बाय पेइंग अ गुड अमाउंट ऑफ सैलरी, व्हाई आई एम थिंकिंग सो मच. सो अगेन आई थॉट ऑफ लॉट ऑफ अबाउट दिस एंड देन आई थॉट कि नहीं, इट्स बेटर टू टेक अपॉर्चुनिटी. हो सकता है कि मैं उस स्कूल में जाके उन बच्चों को रोज मैजिक डस्ट डाल के शायद कुछ उनके लिए बेटर कर पाऊँ. सो नाउ आई हैव एक्सेप्टेड दैट ऑफर एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ज्वाइन दैट स्कूल सून.
सो थैंक यू कंग्रेचुलेशंस कि सो आपने मच दो मैम. ड्रीम्स कर गई, अब इतने सुंदर विजन बोर्ड पे दो नई ड्रीम को चिपकाओ विदाउट यस एनी मैम, डिले. कंग्रेचुलेशंस थैंक यू सो मच फॉर सो एवरीथिंग. मच ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन. थैंक यू थैंक फॉर शेयरिंग एंड यू सो मच. मोटिवेटिंग, एंड मे यू ट्रैवल द वर्ल्ड मोर एंड कंग्रेचुलेशंस. मोर. थैंक यू सो थैंक मच. यू, बाय 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 एवरीवन, एंड थैंक यू फॉर सच मैम, मैजिकल अबाउट द टाइम. क्यू एंड ए, द क्यू एंड ए मैम, क्यू यस एंड यस, ए प्लीज 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 गो अहेड एंड शेयर. टुडे वी हैव गॉटन क्यू एंड ए सेशन at 6 PM, 6 PM to 6:45 will be the time. And please come up with your queries. And Please share your before coming questions with up with whom? a query, with Soumya, and if Soumya is available, or I don't know, ma'am, मुझसे तो कर ही सकते हो आप लोग, ठीक है? Soumya से ही मुझसे भी कर पूना सकते मैम. हैं हाँ, प्रिया, सो मुझसे भी कर सकते सौम्या, हो. पूना मोदी एंड प्रिया, यू कैन शेयर योर क्वेश्चंस. योर नेम विल बी केप्ट अनोनिमस. बेटा मेलेडी खा लो खा लो. Yes, of course. The मम्मी name will be बोल kept anonymous, रही but before posting the questions ना, अगर है आप एक बार पहले वाले जी. Q&A देख लेना, हो सकता है आपके क्वेश्चन का आंसर वहां मिल गया हो, so that it doesn't get redundant and we can focus on the very या important questions ना. बहुत सारे questions का reply मैम ने पहले बहुत बार कर चुकी है, तो एक बार उनको जो common questions है उनको एक बार देख लेना. This much. Thank या you, ma'am. थैंक यू Thank you सो so much. मच, सी यू Thank अगेन एट सिक्स you. ओ'क्लॉक इन द इवनिंग. द लिंक विल बी द सेम. ओके, चलो, थैंक थैंक यू. यू, बाय बाय, सी यू इन द इवनिंग. थैंक यू सो मच मैम. गुड बाय. थैंक यू सो बाय. मच.